हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो लौकी और चने दाल से बनता है। लौकी को हमने आधा किलो लौकी लिया है, जिसको हमने छील के छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और चना है जो आधा कप लिया है, और इसको 3 घंटे तक पानी में भिगो के रखी थी, पर इस तरह से हो गया है। अब इसको हम कुकर में पकाएंगे। इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आधा गिलास पानी डालेंगे, और छोटा एक चम्मच हल्दी डालेंगे, और छोटा एक चम्मच नमक डालेंगे। मीडियम आंच में हमने इसको 4 से 5 सीटी लगा लिया है। इस तरह से दाल हो जाना चाहिए, दाल सबके सब इस मतलब पक जाना चाहिए। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डालेंगे, 2 बड़े चम्मच तेल डालना है। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है। तेल गरम हो चुका है, उसमें हम छोटा एक चम्मच जीरा डालेंगे, छोटा एक चम्मच राई डालेंगे, 4 सूखा मिर्ची डालना है, फिर 1 बड़े साइज का प्याज डालना है। अच्छा ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेना है। अब 8 से 10 पीस कड़ी पत्ता डाल देंगे। आगे हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो तेल छिटकता, इसलिए अभी हमने नहीं डाला है इसको। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का छोटा एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बोलो, प्याज गोल्डन कलर हो चुका है, बढ़िया से इसको भून लेना है। फिर उसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर डालेंगे 1 बड़ा टमाटर का प्यूरी। फिर इसको अच्छे से भूनना है। मसाला हमारा कच्चा रह जाएगा तो फिर सब्जी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अच्छा से कसा लेना है इसको। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, क्योंकि उसमें जब उबाला गया था तब हल्दी 1 चम्मच डाला गया था, इसलिए कम डालेंगे अभी। थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 चम्मच जैसे। मसाला को अच्छे से भून लेना है, तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल ना छोड़े। अच्छे से भून लेना है मिक्स कर करके। देखिए मसाला अच्छे से भूजा गया है। अब इसमें हम डालेंगे दाल और लौकी का जो हमने उबाला था, फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। इसमें हम डालेंगे 1 इंच इमली था, इसको हमने पानी में फुला के इसका प्यूरी बना लिया है, इसको डालना है। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। रेडी। इसमें हम 2 बड़े चम्मच नारियल का कुकोर के किस के डालना है इसको, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी तो ऐसे था पहले से, लेकिन थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको अच्छे से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ढक के पकाना है। अब इसको खोल के देखते हैं क्या हुआ है। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है अभी। आप अपने अकॉर्डिंग
इसको अपने हिसाब से आप इसको थोड़ा सा सूखा भी कर सकते हो, थोड़ा चावल के साथ खाना है तो थोड़ा गीला भी करके कर सकते हो, चपाती के साथ या रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सूखा सूखा भी बना सकते हो। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे।